बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत अलग सी न्यू डिश, चिकन मलाई हांडी। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स सुन लेते हैं। यहाँ मैंने लिया आधा किलो चिकन और ये मैंने तकरीबन दो दरमियाने साइज की प्याज ली है जिसे बॉयल करके पीस लिया है। इस तरह ग्रीन चिल्ली है, ये हरी मिर्चों को भी पीस लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर और 1 कप हमें चाहिए होगा दही। इसी के साथ 1/2 कप हमें चाहिए दूध, मिल्क और 1 क्रीम का पैकेट यूज़ करेंगे हम इसमें। यहाँ पर मैं इन चीज़ों का बघार करूँगी इसके ऊपर। तो ये एक प्याज है जिसको स्क्वायर शेप में कट कर लिया है, ये 4 से 5 हरी मिर्चें और ये हमारे पास शिमला मिर्च है जिन्हें स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। अब सबसे पहले हम अपनी चिकन को मैरिनेट कर लेंगे, आप बोनलेस भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। सबसे पहले इस पर मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट और इसी के साथ यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून ये हमारी हरी मिर्चें पिसी हुई हैं वो इसमें शामिल करूँगी। अगर आप लोग मिर्चें ज़्यादा खाते हैं, स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं आपके घर में, तो आप ग्रीन चिल्ली को बढ़ा सकते हैं, 2 टेबल स्पून भी रख सकते हैं। यहाँ मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा और ये 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर दही हमने जो 1 कप लिया था उसमें से मैं 4 टेबल स्पून दही इसके अंदर शामिल करूँगी, 4 टेबल स्पून उसी में से हम दही इसके अंदर मैरिनेशन में शामिल कर देंगे। अब मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करूँगी इसमें, कुकिंग ऑयल, आप कोई सभी कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो इसके अंदर 2 टेबल स्पून शामिल कर दें। और जो हमने क्रीम का पैकेट लिया है वो इसके अंदर मैं अभी फ़िलहाल 2 टेबल स्पून शामिल कर दूँगी। अब हम अपनी चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ये हमारी चिकन मैरिनेशन बिल्कुल बहुत ज़बरदस्ती चिकन मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट या आधा घंटा इसको रख लें मैरिनेट करके, इसको 15 से 30 मिनट्स आप रख सकते हैं। हमने चिकन को मैरिनेट करके साइड में रख दिया है। अब हम हांडी में 1/2 कप तेल डाल रही हूँ मैं, क्योंकि हम हांडी बना रहे हैं तो इसलिए मैं हांडी में ही यूज़ कर रही हूँ, आप पतीली में भी बना सकते हैं। और इसके अंदर ये मैंने शामिल कर दी है बॉयल प्याज, 2 प्याज को मैंने बॉयल करके और इस तरह ग्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। बॉयल करने से ये हुआ कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, हमें इतना पकाना इसको नहीं पड़ेगा। तो इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद अब इसके अंदर जो हमारा 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट बचा था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून हमने चिकन पे लगाया और 1 टेबल स्पून अब हम इसमें शामिल करके प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह पका लेंगे। अब ये थोड़ा पक गया है, 5 मिनट हो चुके हैं, तो इसके अंदर मैं दही शामिल कर रही हूँ। जो हमारा बाकी बचा हुआ दही था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसी के साथ अब मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सफ़ेद मिर्चें, वाइट पेपर, ये हमने इसमें शामिल कर दी नहीं है। अब इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। अब इसको 5 मिनट्स हो चुके हैं पकते हुए, अब मैं इसके अंदर मैरिनेट की हुई हमारी चिकन जो है वो शामिल कर दूंगी, तमाम मसालों के साथ जो इसका मसाला है वो सब इसमें शामिल करके अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारी जो चिकन है वो इसी पानी में गल जाएगी, दही का पानी जो होगा वो इसमें गल जाएगी। देखें 15 मिनट के बाद ही हमारी चिकन भी गल चुकी है और तेल भी ऊपर आ चुका है। ये देखें ये बिल्कुल अच्छी तरह पक चुका है, तेल भी ऊपर आ चुका था। मैंने इसके अंदर जो हमारा 1/2 कप दूध था वो शामिल कर दिया है मैंने, इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर क्रीम शामिल करूँगी हमारी, जो हमारा पैकेट बचा हुआ है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बस हम इतनी क्रीम बचाएंगे कि ऊपर से सर्विंग के लिए हमें ज़रूरत होगी, इतनी क्रीम हमने बचानी है, बाकी आपने इसमें सब शामिल कर देनी है क्रीम। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत मज़ेदार सा टेस्ट है और बहुत कम इंग्रेडिएंट से ये बना है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसके ऊपर बघार लगाएंगे
यहाँ मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून मक्खन। फ्राइंग पैन में मैंने 1 टेबल स्पून मक्खन डाल दिया है, ये मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी जो हमने स्क्वायर शेप में प्याज काटी है वो सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अभी हमारी प्याज जब हल्की सी नरम सी हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट सी थोड़ी सी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, तो फिर हम इसके अंदर बाकी शिमला मिर्च और हरी मिर्चें जो हमने काटी हैं वो शामिल कर देंगे। ये देखें, इन तमाम चीज़ों को हम मक्खन में अच्छी तरह इस तरह से फ्राई कर लेंगे। मक्खन में ही करना है, अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल नहीं है तो आप इसको तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, आपकी च्वाइस है, आप घी में भी फ्राई कर सकते हैं। वैसे मक्खनी हांडी जो हम मलाई हांडी बना रहे हैं तो इसमें हम मक्खन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसको हम अपनी मलाई हांडी जो हमारी बिल्कुल रेडी है इस पर हम इसको डाल देंगे, सर्व कर देंगे। इस तरह से देखें, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। हमारी हांडी का जो है वो चूल्हा बंद है, ये हमने जिस तरह हम बघार लगाते हैं इस तरह मैंने ये ऊपर से डाल दिया है। अब इसके ऊपर आप सर्विंग कर लें क्रीम डालकर, तो ये देखें बहुत लजीज सी इसकी शक्ल आ गई है, बहुत मज़ेदार सी न्यू डिश है, डिफरेंट टेस्ट है इसका बिल्कुल। ये देखें, अभी हम आपको इसको डिश आउट करके भी दिखाएंगे कि ये इसका टेस्ट कैसा है। अब हम आपको इसको डिश आउट करके भी दिखा देते हैं। इसको मैं प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ, ये देखें बहुत मज़ेदार सी डिश है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत जल्दी बन जाने वाली ये डिश है और न्यू टेस्ट है। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप लोग ये दावत वगैरह में भी रख सकते हैं न्यू डिश, और इसको नान के साथ आफ्तान के साथ सर्व करें तो बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट हो जाएगा। ज़रूर बनाएं आप लोग अपने घर में और मुझे फीडबैक अपना देना ना भूलें। अब इसको मैंने प्लेट में जो सर्व कर दिया है, अब मैं इसके ऊपर क्रीम से सर्व कर दूंगी। ये हमारी जो है चिकन मलाई हांडी देखें बिल्कुल रेडी है। इसको आप लोग नान के साथ, रोटी के साथ, ताफ्तान के साथ सर्व करें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।